फलकनाथ फ्रॉम कर्नाटका से मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ माश की दाल का वड़ा। चलिए चलते हैं बनाने के लिए। इसको जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैं बता देती हूँ, प्लीज़ नोट कर लीजिए। माश की दाल जिसको मैंने 3 घंटे पहले भिगोया था और इसको मिक्सर की मदद से इस तरह से पेस्ट बना लिया है। याद रखिए इसमें कोई कुछ पानी ना ऐड करें। और करिया लीफ जिसको मैंने 3 से 4 पत्तों को इस तरह से बारीक से काट लिया है। एक बड़ी अदद ओनियन जिसको बारीक काट लिया है और 3 से 5 हरी मिर्च को बारीक पेस्ट कर लिया है। और ये है हरा धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है। चलिए चलते हैं बनाने के लिए। एक बड़ा बॉयल लेंगे, इसमें हम ये दाल इसमें डाल दूंगी। मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी। फिर डालूंगी हरी मिर्च, धनिया बारीक कटा हुआ पूरा डाल दूंगी। चेक करिया लीफ डालूंगी। और टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच मैं इसमें बारीक नमक डालूंगी। आप एज ए टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। हाफ चम्मच जीरा डालूंगी, चार जीरा हाफ चम्मच डालूंगी। बेकिंग पाउडर बस थोड़ा डालूंगी और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस चमचे की मदद से, स्पून की मदद से। देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, आप देख सकते हो तेल गरम हो रहा है। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा बनाऊंगी। आप देख सकते हो इस तरह से मैं लूँगी और इसमें इस तरह से डाल दूंगी। इसको चौड़ा करूंगी हल्के से। इस तरह से मैं आप देख सकते हो कितना अच्छे से मेरे मेरी माश वड़े तल रहे हैं। ये ब्राउन हो गया है और ये थोड़ा होना है। आप देख सकते हो मेरे वड़े किस तरह से पक गए हैं। तो मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी चमचे की मदद से इस तरह से। मैं भी आपके सामने और दो वड़े बनाऊंगी, आप देख सकते हो। इसे चौड़ा करूंगी इस तरह से चमचे से। हमारे दूसरे वड़े भी पक रहे हैं, इन्हें थोड़ा पकने देते हैं, ब्राउन होने देते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे दूसरे भी पकोड़े रेडी हो गए हैं, हम इसे सर्व करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने इन्हें प्लेट में सर्व किया है। आप देख सकते हो कि ये कितने स्पाइसी और कितने अच्छे बने हुए हैं, देख सकते हो। ये नाश्ते में टी के साथ या नाश्ते में हम दे सकते हैं। आप अगर गेस्ट आए तो हम घर से बना सकते हैं। ये आसान सी रेसिपी है, प्लीज़ ट्राई कीजिए घर में और मुझे कमेंट्स दीजिएगा कैसे बनी है। होप आपको पसंद आए मेरी ये रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए अच्छे। आपके कमेंट्स और लाइक से सब्सक्रिप्शन से ही मैं अपने चैनल को चला पाऊँगी। होप आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ गिव मी बेस्ट एंड सुपर कमेंट्स अबाउट माशवरा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।